कालाबाजारी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, केजरीवाल सरकार की कालाबाजारी के कारण हजारों लोगों की जाने गई हैं। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की हर सुविधा दी है, लेकिन दिल्ली में हर दबाव ऑक्सीजन की कालाबाजारी होती रही। केजरीवाल सरकार देखती है कि 1,59,000 इंजेक्शन केंद्र ने दिया था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 69,000 ही कोर्ट को जानकारी दी। ड्रग इंस्पेक्टर को औचक निरीक्षण के लिए क्यों नहीं भेजा, अगर भेजा तो दिल्ली की जनता को बताएं। लगातार प्रेस वार्ता की एक सीरीज चल रही है, उसके क्रम में आज 9वीं प्रेस वार्ता के बीच में होने जा रहा है। आप सबको पता होगा कि हम एक विपक्ष की भूमिका में लगातार दिल्लीवासी की आवाज को आपके माध्यम से उठाते रहे हैं। पिछले के प्रेस वार्ताओं से कहीं ना कहीं आप सबके अच्छे कवरेज और लिखने के कारण, जैसे राशन की समस्या को लेकर हमने पहला प्रेस किया था, तब से दिल्ली सरकार गरीबों को राशन बांटने की योजना लेके आई है। वैसे ही महजा दिल्ली को लेकर भी बहुत अच्छे कवरेज मिले और लोगों को पता चला कि महजा दिल्ली की असलियत क्या है। और पिछले दिनों अध्यक्ष जी ने जब डेथ रेट पे प्रेस किया था, तो डेथ रेट को लेकर जो मीडिया में अच्छे प्रश्न उठाए गए हैं, जिससे दिल्ली की जनता को दिल्ली में कोरोना को लेकर जो कुप्रबंधन था उसको लेकर सच्चाई जानने का मौका मिला है। इसी क्रम में आज की 9वीं प्रेस वार्ता में एक महत्वपूर्ण बिंदु काला बाजारी पे आज अध्यक्ष जी हम सबको प्रेस के माध्यम से संबोधित करेंगे। मैं आदरणीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद भाई जी। आज की संयुक्त प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे नेता विपक्ष आदरणीय श्री रामदेव सिंह जी, लोकप्रिय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता और विधायक श्री अमित वर्मा जी, हमारे मीडिया के सभी मित्रों, फोटोग्राफर साथियों, भाई और बहनों, आज की प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर है, जिस मुद्दे पर कोरोना के संकट के समय में सबसे ज्यादा दर्द दिल्ली वासियों ने झेला है और उन सारे झूठों, दिल्ली सरकार ने जो झूठ बोला, जो नाकामी दिखाई, उस सब का आईना दिखाने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए। कहते हैं कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। और एक विपक्ष के नाते आईना दिखाना, दिल्ली सरकार की नाकामियों का आईना दिखाना हमारा कर्तव्य है। और शायद अगर दिल्ली सरकार समय रहते ये सब काम नहीं करती तो दिल्ली में हजारों लोगों की जानें बच सकती थी। केजरीवाल सरकार की कालाबाजारी के कारण दिल्ली में हजारों लोगों की जानें गई हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार ने एक पॉइंटर आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई 19 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुए थे और उस टाइम पे ना तो बेड की अवेलेबिलिटी थी, ना किसी और ट्रीटमेंट का कोई अरेंजमेंट हो पा रहा था, तो इसलिए हमें उनके लिए ऑक्सीजन खरीदने पड़े घर पे ही। और पहला ऑक्सीजन जो हमने खरीदा वो कोई अहमद थे जिनका नंबर है 9671605409। आई रिपीट 9671605409। इन्होंने हमें 45 लीटर का सिलेंडर दिया 60,000 का, उसकी किट 7,000 की अलग से और डिलीवरी चार्जेस 2,000, तो 69,000 का पहला सिलेंडर। उसके बाद दो तीन दिन बाद जब हमें दोबारा सिलेंडर की जरूरत पड़ी तो कोई मिलन थे पीतमपुरा में जिनका नंबर है 9667060294। इन्होंने हमें 20 लीटर का सिलेंडर दिया 85,000 रुपये का, 85,000। तो
हमारे तो बहुत देर दिक्कत थी, लेकिन क्या करें, उस टाइम भाई की जान बचाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने इस दोनों सिलेंडर खरीदे ब्लैक मार्केटिंग से और डैमेज काफ़ी रहा। हालांकि भाई की दर्द हो गई लेकिन ये डैमेज भी अच्छा रहा। धन्यवाद। समय दर्द से उसका भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद पदम सिंह आदमी श्री हंसराज हंस जी भाजपा के विधायक और दिल्ली प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता आदमी श्री अभय वर्मा जी, सभी मीडिया के सम्मानित मित्रों, आज मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और सभी सम्मानित मीडिया के जो साथी उपस्थित हैं, मेरा ये आरोप है कि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अरविंद केजरीवाल की सरकार के संरक्षण में दिल्ली के लोगों को लूटा, ऑक्सीजन के दलालों ने दिल्ली के लोगों को लूटा, दवाइयों के दलालों ने दिल्ली के लोगों को लूटा और जो एम्बुलेंस के जो मालिक थे इन सभी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दिल्ली के लोगों को लूटा। और आज मेरा ये आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जिस तरह से दिल्ली के लोगों को लूटा उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं का हिस्सा था उस लूट में। मुझे ये जानकारी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से 25% से लेकर 40% तक कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लिया है। अरे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 47,000 करोड़ रुपया पिछले 6-7 सालों में हेल्थ सर्विसेज के ऊपर खर्च किए हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज दिल्ली को दे रहे हैं। आप एक हॉस्पिटल नहीं खोल पाए, आप एक वेंटिलेटर बेड नहीं दे पाए दिल्ली को, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप वर्ल्ड हमारा नहीं बन रहा। आज बोल रहा हूं क्योंकि आप हमारी बातें बहुत ऑनेस्टली पूछा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। नहीं तो रूलिंग पार्टी का एक बंदा ज्यादा करता है तो आपके लिए खुददार पत्रकारों के लिए मैं यही कहूंगा कि जज्बा खुददारी झुकने ना दिया तुमने। आपके लिए दिया जज्बा खुददारी झुकने ना दिया तुमने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आ दिए। ऐसी खबर आए टीवी में भी और अखबार में भी, अखबार लोग संभाल के रखे, अखबार को भी रद्दी ना हो, प्रेम करा के लोग रखें, ऐसा आप लिखें, ऑनेस्टली लिखें। नहीं तो फिर वही बात होगी कि